Hello everyone, welcome to my channel. Before starting the video, if you are new to my channel, subscribe my channel and press the bell icon. आज मैं कराने वाली हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़. इसके पहले मैंने नंबर सीरीज़ करा दिया है. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा. और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है. तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है. यानी मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ए से जेड तक. इसको मैंने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिवाइड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. इसको हमें याद रखना है कि ए से लेके एम तक 13 लेटर्स आते हैं और ये फर्स्ट हाफ होता है. 14 से लेके 26 आते हैं जो सेकंड हाफ होता है. तो हमको ये याद रखना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा, इसको याद रखना है. मैं कुछ बता दे रही हूँ ट्रिक, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना लीजिएगा. जैसे G7 है, G कौन सी पोजीशन पे आएगा तो हम जो नया होगा वो नहीं जान पाएगा. तो उसके लिए एक ट्रिक है G7. G7 का एक ग्रुप भी है कंट्रीज़ का, तो हम उससे याद रख सकते हैं G7. ठीक है, यानी G की पोजीशन क्या है, 7th नंबर पर है. H8 का हम हेट से याद रख सकते हैं. हेट में भी 8 आ रहा है इसलिए H की पोजीशन क्या होगी, 8 होगी, यानी 8th पोजीशन पे आएगा. J10 जर्सी नंबर 10, ये फेमस है तो इससे हम याद रख सकते हैं. J की पोजीशन क्या होती है, 10th होती है. और लंच हमेशा 12 बजे होता है तो यानी L की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 12th नंबर पे होगी. उसी तरह किंग 11, ठीक है, यानी K की पोजीशन कहाँ पे होगी, 11th पे होगी. और T20 तो पता ही है सबको, तो T की पोजीशन क्या होती है, 20th नंबर पे होती है. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है. बिना इसके हम इसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हमें इसकी नंबरिंग याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये भी याद रखना ज़रूरी है, जो अपोजिट होते हैं, ए के अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, बी के अपोजिट वाई होगा, सी के अपोजिट एक्स होगा, डी के अपोजिट डब्ल्यू होगा, ई के अपोजिट वी होगा, एफ के अपोजिट यू होगा, जी के अपोजिट टी होगा. ये अपोजिट इस तरह से है, जैसे ए की पोजिशन 1 होती है और जेड का नंबर क्या होता है, 26 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 27. ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं. बी का क्या होता है, 2 होता है. वाई का क्या होता है, 25 होता है. तो इसकी भी इसका भी सम क्या आएगा, 27 आएगा. ठीक है, तो इस तरह से अपोजिट बनाया गया है. और देखते हैं फिर ए जेड है तो ये सबको याद रहता है. बी वाई भी याद रहता है, पर बॉय से हम याद रख सकते हैं बी वाई को, सी एक्स याद रहेगा. डी डब्ल्यू का हम दिल वाले से याद रख सकते हैं. ठीक है, ई वी को हम इवनिंग से याद रख सकते हैं. एफ यू को फन से याद रख सकते हैं. जी टी को जी टी रोड से याद रख सकते हैं. ये दोनों अपोजिट हैं. ठीक है, अपोजिट है मतलब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो जो आएगा और उधर से राइट साइड से जो आएंगे तो उस पोजीशन पे जो नंबर आएगा. ठीक है, यानी सम जो होना चाहिए वो 27 आना चाहिए. आई होप आप समझ रहे होंगे. तो यहाँ पे एच एस होगा मतलब हाई स्कूल होगा. ठीक है, एच का अपोजिट एस होगा. ठीक है, आई आर का इंडियन रेलवे, जे क्यू का जंगल क्वीन, के पी का कमला पसंद, एल ओ का लव से और एम एन का मैन से याद रख सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ पे हमें याद रखना ज़रूरी है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है. तो ए की पोजीशन 1 पे होती है, बी की 2 पे होती है, सी की 3 पे होती है और डी की 4 पे होती है. यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर से भाई नंबर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यानी जो आगे वाला नंबर आएगा उसके में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए. यानी डी प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी ई इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए सी ई जी. ठीक है, इसमें देखते हैं ए की पोजीशन क्या है, 1 है. पोजीशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप पोजीशन लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक है, ए की पोजीशन 1 होती है, सी की क्या होती है, 3 होती है, ई की क्या होती है, 5 होती है, जी की क्या होती है, 7 होती है. ठीक है, जी 7 से मैंने भी याद कराया था. यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं क्या है, 2 का, यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2 का है, यानी आगे आने वाले में भी क्या होगा, 2 का होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 9. और 9 पोजीशन पे कौन आता है, आई आता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ ए जी एल पी एस, इसको कैसे करेंगे. हमें पोजीशन याद होनी चाहिए, यानी ए पे क्या आएगा, ए पे 1 आता है, जी का 7 होगा, एल का 12 होगा, ए का 1 होगा, जी 7 मैंने बताया था, एल का लंच 12 बजे होता है, ये 12 हो जाएगा. पी के पोजीशन पे कौन आता है, 16 पोजीशन पे आता है. एस कौन सी पोजीशन पे आता है, 19 पोजीशन पे आता है.
तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यानी यहाँ पे डिफरेंस 2 का होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 2 का होगा, यानी यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस होगा, है ना, प्लस प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। और 21 का पोजीशन पे कौन आता है, यू आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन दिया हुआ है, के पी दिया हुआ है, एफ यू दिया हुआ है। यहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या दिया है, अपोजिट वर्ड है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। एम एन से मैंने मैन याद कराया है, के पी से मैंने कमला पसंद, एफ यू से मैंने फन याद कराया है। ऑप्शंस देखते हैं, यानी यहाँ पे अपोजिट वर्ड है, ए बी अपोजिट नहीं होता है, ठीक है, ए बी अपोजिट नहीं होता। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। आर एस भी नहीं होता, ये भी गलत है, सी डी भी नहीं होता, गलत है, आई आर होता है, मैंने इंडियन रेलवे याद कराया था, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। जिसमें ऑप्शन की ज़रूरत है मैंने दे दिया है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़े, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी एफ जी एच एल एम एन, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं, ये ए वन पे आता है, टू और थ्री, एफ कौन सी पोजीशन पे आता है, 6 7 8, एल 12 13 एंड 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी प्लस 4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा, ठीक है, 19 20 और 21, ऐसे कर लेंगे। और 19 पोजीशन पे कौन आता है, एस आता है, 19 पोजीशन पे कौन आता है, एस टी यू, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डी एच एल पी टी एक्स और बी एफ जी। सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन क्या होगी, डी की 4 होती है, 8 होती है और 12 होती है। पी की पोजीशन क्या होती है, 16 होती है, 20 होती है, और एक्स की पोजीशन क्या होती है, 24 होती है। बी की पोजीशन 2 होती है, एफ की पोजीशन क्या होती है, 6 होती है, जे का 10 जर्सी 10 से हम याद कराए थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस है सब में, यहाँ भी 4 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ एल और पी का कोई भी लिंक नहीं दिखेगा, यहाँ एक्स और बी का भी कोई लिंक नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, जिसमें भी ये 4 4 का डिफरेंस होगा वही होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पी के बाद क्यू आता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, तो यानी ये सही है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है सी ए टी एफ डी डब्ल्यू आई जी जेड। तो सबसे पहले पोजीशन का लिख लेते हैं, आई 3 पे आता है, ये 1 पे, ये 20 पे आता है। एफ किस पे आता है, 6 पे, 4 पे, और डब्ल्यू किस पे आता है, 23 पे आता है। आई किस पे आता है, 9 पे आता है, जी 7 और ये 26, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है ना। तो यानी क्या हो रहा है, प्लस थ्री होगा। जब प्लस थ्री करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 आएगा, और 12 किसका होता है, एल का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 7 है। यानी 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, यानी यहाँ पे जे हो जाएगा। फिर वही 20 में 3 ऐड करेंगे 23, 23 में 3 ऐड करेंगे 26, और 26 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जेड क्या है, 26, इसके बाद तो कोई लेटर आता नहीं है, इसमें हम प्लस 3 करेंगे, यानी फिर से ए बी सी डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से ए बी सी डी से स्टार्ट होगा, तो यानी यहाँ पे सी आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है डब्ल्यू वाई वी आई के एच और बी डी ए। सबसे पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं, यहाँ ये क्या है, 23 पे होगा, ये क्या होगा, 25 पे होगा, और ये क्या होगा, 22 पे होगा, ठीक है। आई किस पे होगा, 9 पे होगा, के 11 और हेट एच 8 हो जाएगा, ठीक है। बी 2 पे आता है, डी जो है 4 पे आता है, ए 1 पे आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि
यहाँ पे 22 है, फिर 23 है, फिर 23 में प्लस टू किया गया तो 25 हो गया। यहाँ भी वही चीज़ है, 8 है, 9 है, 9 में 2 ऐड किया 11 हो गया। यहाँ पे भी वही है, 1 है, 2 है, 2 में 2 ऐड किया 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन से हम चेक करेंगे क्या ये जो पैटर्न बन रहा है वो ऑप्शन में भी किसी में बन रहा है या नहीं। ए डी क्यू में तो नहीं बनेगा, ठीक है। जे एल आई में जे की पोजीशन क्या है, 10 है, यहाँ पे पोजीशन चेक कर लेंगे। इसकी क्या होती है, 1 होती है, इसकी 4 होती है। और क्यू की पोजीशन क्या होती है, क्यू की पोजीशन जो भी होती है, पर ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। एल एम एन ओ पी, पी के आई थिंक 16 होती है, ठीक है। एल एम एन ओ पी क्यू 17 होती है, क्योंकि क्या होती है, क्योंकि 17 होती है, ये पैटर्न नहीं बन रहा है। जे एल आई, जे का 10 बताया, एल का 12 होगा, आई का क्या होगा, 9 होगा, यानी ये पैटर्न बन रहा है 9 10, और 10 में 2 ऐड किया गया तो 12 बन गया, यानी ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ ए सी एफ जे, ठीक है। ए में सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन क्या है, 1 है ना, पोजीशन क्या है, 1 है। और सी की पोजीशन क्या है, 3 है, सी की पोजीशन क्या है, 3। एफ की पोजीशन क्या होगी, 6 है ना। जे की पोजीशन मैं बता 10 होती है। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, यानी आगे आगे वाले में क्या होगा, +5 होगा, यानी 15 होगा। और 15 पोजीशन पे कौन आता है, 15 पोजीशन पे कौन आता है, ओ आता है ना, ओ आता है। और यहाँ पे एक और दिया और 2 डैश दिया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 21। 21 पोजीशन पे कौन आता है, यू आता है, इसका आंसर क्या होगा, ओ यू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्यू आई के आई एस जी ई एफ ई पी ई, ठीक है। इसकी भी पोजीशन लिखते हैं, क्यू की 17 पोजीशन है, वाई की क्या है, 25 है, के की क्या है, 11 है, आई की क्या है, 9 है, एस की क्या है, 19 है, जी की क्या है, 7 है, ई की क्या है, 5 है, पी की 16 है, ई की फिर से 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 और 5 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी हमें क्या करना है, -4 करना है। फिर यहाँ भी जो नंबर आना चाहिए वहाँ भी -4, और इससे इसका क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं 13 होगा, जब यहाँ पे कहीं ना कहीं 13 होगा तभी -4 करेंगे और 9 आएगा। चेक करते हैं क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल सही है। 17 में -4 करेंगे 13 ही आएगा। 13 किसकी पोजीशन है, एम की पोजीशन है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी होगी, 19 और 16, यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 आ रहा है। फिर से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। 25 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22। 22 पोजीशन पे कौन आता है, वी आता है, उसी तरह आई भी होगा, ठीक है। 7 यहाँ पे देखेंगे, 7 है, और यहाँ पे क्या है, 5 है, यानी डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कहीं ना कहीं इसमें भी डिफरेंस 2 का होगा, 11 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 किसकी पोजीशन है, आई की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कल और क्वेश्चंस करवाऊंगी अल्फाबेटिकल सीरीज़ के। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब